श्रीनगर में 32 घंटे तक चले एनकाउंटर में दोनों आतंकी ढेर, कुछ और आतंकियों के छिपे होने की आशंका। शहीद हुए जवान एमएम खान को दी गई श्रद्धांजलि, श्रीनगर के सीआरपीएफ कैंप में मुठभेड़ के दौरान शहीद हुए। सुजवान आर्मी कैंप से सेना के जवान का शव बरामद, शहीद जवानों की संख्या 7 है। केरल के कोचीन शिपयार्ड के ड्रिल शिप में धमाका, धमाके में 5 लोगों की मौत, 11 लोग जख्मी। अय्यर के पाक प्रेम पर भड़के कांग्रेस नेता, पार्टी सचिव हनुमंत राव इस मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को खत लिखेंगे। देशभर में मनाया जा रहा है महाशिवरात्रि का त्यौहार, मंदिरों में उमड़े श्रद्धालु, इस बार शिवरात्रि मनाने के लिए 2 दिनों का योग। वैलेंटाइन डे का विरोध जारी, लखनऊ यूनिवर्सिटी ने जारी किया छात्रों को एडवाइजरी, हैदराबाद के होटल्स और पबों को चेतावनी, गुजरात में भी छपे पोस्टर। मोस्ट वांटेड आतंकी हाफिज सईद की मुश्किलें बढ़ी, भारत यूएस के दबाव में घुटनों के बल पाक, हाफिज को माना आतंकी। वैलेंटाइन डे से ठीक पहले महंगी हुई मोहब्बत की निशानी, ताज के दीदार के लिए दाने, देरी होंगे अब ज्यादा दाम। स्वरूपनगर इलाके में 7 साल के बच्चे के दिल दहलाने वाली वारदात में बड़ा खुलासा, हत्यारा कोई और नहीं बल्कि बच्ची का चाचा ही निकला, आरोपी अपने भाई भाभी से बेहद नाराज था, उन्हें सबक सिखाने के मकसद से बच्चे की हत्या की। ग्रेटर नोएडा के ऑटो एक्सपो मार्ट में चल रहे ऑटो एक्सपो देखने के लिए सरकारी स्कूल के बच्चे भी पहुंचे डीएम के आदेश के बाद। के निवाड़ी इलाके में गंभीर हादसा, दरअसल निवाड़ी के अबूपुर गांव में एक बारात मोदीनगर के लिए जा रही थी तभी हादसा हुआ। बारात के दौरान फायरिंग की जा रही, इसमें आधा दर्जन युवा और बच्चे जख्मी हुए। फतेहाबाद में अमित शाह की रैली के विरोध को लेकर सरकार और यशपाल मलिक के बीच हुए समझौते से खाप नेताओं में यशपाल मलिक के खिलाफ नाराजगी। खाप नेता सूबे सिंह ने सरकार और मलिक पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार और मलिक के बीच पहले से सब कुछ फिक्स था। बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी ने कहा कि जींद में होने वाली रैली में वो नहीं जाएंगे, जींद की रैली के लिए उनके पास कोई न्योता नहीं है। जाट आरक्षण संघर्ष समिति की मांगों पर लिए गए फैसले पर सैनी ने सवाल उठाए, प्रजातंत्र के लिए खतरा करार दिया। अमित शाह की होने वाली रैली को लेकर प्रदेश में तनाव बढ़ते देखकर प्रशासन अलर्ट पर, रैली को लेकर झज्जर जिला प्रशासन ने कमर कसी। मॉकड्रिल में पुलिस अधिकारियों के अलावा प्रशासन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, इस दौरान किसी भी स्थिति से निपटने के लिए बारीकी से पूर्वाभ्यास किया गया। गुरुग्राम में कैंसर के इलाज के लिए भटक रहे मरीज, गुरुग्राम सिविल अस्पताल में 3 साल से बंद पड़ा है कैंसर वार्ड। सामान्य अस्पताल में कैंसर का कोई डॉक्टर नहीं है, इसके चलते कैंसर पीड़ितों को दिल्ली और रोहतक रेफर करना पड़ा।